ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बजट 2021 समग्र आशाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिशिर सिन्हा, आर्थिक विश्लेषक, और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। उम्मीदें और आशाएं हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में ईंधन का काम करती हैं। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और देश भर की निगाहें और उम्मीद टिकी है केंद्रीय बजट पर। बजट 2021 में क्या कुछ खास है आम आदमी के लिए, उद्योगों के लिए और तमाम क्षेत्रों के लिए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के काम में दिन रात लगी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 का बजट कल पेश करेंगी, सर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदों की जहां तक बात है, आप केवल देश मत कहिए, विदेश भी कहिए। देश विदेश की उम्मीदें जगी हुई है इस बजट से, और उसके पीछे दो वजह है। देश की उम्मीदों की जहां तक बात करें तो हम सभी जो महामारी के चपेट में रहे और अभी भी हैं, उससे किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिले, हम सभी का विकास हो और विकास का फायदा सब तक पहुंचे, ये मूल मंत्र होगा इस बजट का। और जहां तक विदेश की बात है, आपको पता होगा कुछ समय पहले आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात कही गई थी, उसमें ये था कि किस तरीके से हम अपने देश के उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कच्चा सामान कैसे हम सस्ता करें, और जो तकनीक और पूंजी की जरूरत है विदेशों से, उसे हम कितना आसानी से ला सके। बजट में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कुछ नई नीतियों का ऐलान हो सकता है जिससे कि पूंजी और तकनीक आने में सहूलियत हो, एक पहलू यह है। जहां तक सवाल देशवासियों का है, देशवासियों का है, उसमें सबसे ज्यादा नजर जो है वो मध्यम वर्ग की है, क्योंकि पिछले एक साल के दरमियान देखें तो मध्यम वर्ग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, खासतौर पर वो जो कि वेतनभोगी है, और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि उनकी नौकरी पर जो है वो परेशानी हुई, तनख्वाह में कटौती हुई, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने जिसे कहते हैं कि योगदान देना जारी रखा, तो अब समय आ गया है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अब ये बात साफ है कि आयकर की दर में आप कोई फेरबदल की उम्मीद करें, यह गलत होगा, लेकिन हाँ, आयकर की व्यवस्था में कुछ बदलाव की बात की जा सकती है, जिसको हम लोग स्लैब कहते हैं। आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए तक जो आपकी आमदनी है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% है, 5 से 10 के बीच में 20% है, और 10 लाख के ऊपर जो है वो 30% है। ये दर में आप बदलाव ना करें, लेकिन स्लैब अगर 2.5 लाख से 3, 3.5 लाख या 4 लाख कर दे, जो बहुत समय से उम्मीद की जा रही है, मुझे लगता है कि ये बजट है जो इस मामले में कुछ स्थिति साफ करेगा। दूसरा ये है कि जो आपको रियायतें मिलती हैं, जैसे आप घर के लिए कर्ज लेते हैं, उसकी ब्याज की अदायगी करते हैं या मूल की अदायगी करते हैं, उस पर कर में राहत मिलती है, वहां पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं आपको दी जा सकती है। अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो जो मध्यम वर्ग है वो थोड़ी राहत की सांस ले सकता है। सर, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय और पूंजी बाजार, स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सेक्टर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, सर्विस सेक्टर, लेबर एंड ट्रेड यूनियन और अर्थशास्त्रियों से भी सलाह मशवरा किया है। कितना पॉजिटिव देखते हैं आप इस तैयारी को? देखिए, राय मशविरा करना, विचार विमर्श करना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव लेंगे तो आपको अपनी तैयारी में उतनी ही मदद मिलती है। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसे किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है, और बजट पूर्व तैयारियों के सिलसिले में अलग अलग जो तबके होते हैं समाज के, चाहे वो उद्योग हो, श्रम संगठन हो, ट्रेड यूनियन हो, कृषक समाज से जुड़े हुए लोग हों, तो यहाँ तक कि सामाजिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनसे बात की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों से हमने एक और परंपरा देखी जो काफी मजबूत हुई है, वो है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की जाती है। तो चूंकि हम जब संघीय ढांचे की बात करते हैं तो राज्यों की बातों को भी किस तरह से बजट में शामिल किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है। सर, कुछ विशेष पहलू हैं जैसे राजकोषीय नीति, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, और बॉन्ड मार्केट, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल हैं। और इसके अलावा देखें हम सामाजिक सुरक्षा, कुशलता प्रोग्राम और ढांचागत जो व्यवस्था है हमारी, साफ सफाई और जल के साथ साथ पब्लिक जो वितरण प्रणाली है, क्या उसमें भी सुधार के लिए बजट 2021 में कुछ खास प्रावधान होने की उम्मीद है?
बिल्कुल, देखिए आपने तकरीबन 8 विषय चुने हैं और अगर मैं सही तरीके से गिनती कर पाया और उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया राजकोषीय घाटे की राजकोषीय प्रबंधन का, बिल्कुल वो राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीति क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये बहुत ही अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे लिए वित्त वर्ष 2020-21 काफी चुनौतियों भरा साल रहा है। कमाई हमारी बहुत कम रही, खर्चा हमारे बहुत ज्यादा हुए, हमें बाजार से ज्यादा उधार लेना पड़ा और साथ ही साथ हमें विदेशी संस्थाओं से भी जो है वो कर्ज लेने पड़े ताकि हम अपने जो बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं उनको हम जारी रखें, उनके नतीजे आपको आने वाले समय में अच्छा दिखेगा। अब इस वर्ष जो है इस वर्ष 2021-22 की इसमें राजकोषीय नीति जो है वो होगी कि खर्च और कैसे बढ़ाएं, ये खर्च बढ़ाने का समय है, खर्च पर नियंत्रण या खर्च पर लगाम लगाने की बात इस समय कतई नहीं की जा सकती है। अगर आप याद करें तो 29 जनवरी को बजट सत्र के शुरुआत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में 4 से 5 मिनी बजट पेश किए गए और 2021-22 का बजट उसी श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है, और अगर आप उन 4-5 बजट को देखें तो उसमें राजकोषीय नीति क्या थी, खर्चा बढ़ाने की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बजट भी खर्चा बढ़ाने के मामले में उस 4-5 बजट को आगे बढ़ाएगा और ये राजकोषीय नीति का एक प्रमुख आधार। आयकर में मुझे जहां तक उम्मीद है और जहां तक एक धारणा इस समय बन रही है कि कोई नए कर की आप बात नहीं सोच सकते हैं, इस समय में ये स्थिति परिस्थितियां नहीं है। तीसरी बात जो है कि अलग अलग क्षेत्र की बात करें, चाहे आपने जैसे जल की बात की, आपने स्वच्छता की बात की, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ हर घर के लिए जल की बात कही गई थी, उसके लिए एक विशेष योजना की बात कही गई थी, अब उसी को और आगे बढ़ाना है, स्वच्छता को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि स्वच्छता जो है वो प्रधानमंत्री के एजेंडे में काफी ऊपर है, तो उसके लिए क्या कुछ नई व्यवस्था दे, लोगों को प्रोत्साहित करे कि स्वच्छता अभियान में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, उनके लिए कोई नई योजना लाए, उनके लिए खर्च बढ़ाए, ये सारी चीजें जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में उस पर जोर होगा। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियां, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरी की इंडस्ट्री जो मझोले और छोटे आकार के उद्योग होते हैं उनके लिए बात हो, या फिर शहरी इलाकों में घर बनाने की बात हो, इन सब के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप नई प्रोत्साहन योजना कैसे लाते हैं। जैसे घर का मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, एक घर बनता है एक आदमी के लिए, एक परिवार के लिए, लेकिन उससे 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लाभान्वित होती हैं। सर, पिछले साल नवंबर के महीने में मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगे थे, और कोरोना के इस संकट के दौर में जो आपने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, तो क्या स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं? बहुत जरूरी है और बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं और अभी आर्थिक सर्वेक्षण जब आया था उसमें भी ये बात कही गई थी कि स्वास्थ्य पर हम खर्च कैसे बढ़ाएं, और साथ ही साथ उन्होंने पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में अगर आपने देखा होगा तो बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स की बात उन्होंने कही कि किस तरीके से आप स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा बना करके लोगों के खर्च को कम कर सकते हैं। लोगों के खर्च में अगर स्वास्थ्य सुविधा पे स्वास्थ्य पर खर्च जो है वो बढ़ता है, जैसे सरकार की ओर से खर्च बढ़ता है, तो उससे लोगों की जेब से जाने वाला खर्च 30 से लेकर 65% तक कम हो सकता है। आपने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की बात की, क्या इसके साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारा उसकी सीमा 50,000 रुपए है, तो क्या उसको भी बढ़ाया जा सकता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन में बहुत ज्यादा हम कटौती की उम्मीद हम और नहीं कर रहे हैं कि उसे और बढ़ा दिया जाए, लेकिन हाँ अगर आप स्लैब में चेंज करते हैं तो ये बड़े तबके को प्रभावित करता है। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आमतौर पर सैलरी क्लास को मिलता है, लेकिन अगर आप स्लैब में चेंज करते हैं तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। तो अगर वो बदलाव अगर आप कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा, स्लैब 2.5 से 3 लाख करते, और वैसे भी आपको पता है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपकी कर योग्य आमदनी है तो आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना है। बजट 2021 समग्र आशाएं, इस विषय पर हमसे बात करी आपने, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर साहब, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बजट 2021 समग्र आशाओं पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे शिशिर सिन्हा, आर्थिक विश्लेषक और आकाशवाणी संवाददाता वीरेंद्र कौशिक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.com।